देखिए, 2 किलो चाप है, 2 किलो चाप की मैंने ये रेसिपी दूंगी आपको। 2 किलो चाप में 2 लहसुन की गांठ और छोटी सी अदरक, वो मैं पेस्ट बना करके फिर मैं उसमें चाप में मिला दूंगी। आठ दस लाल पतली मिर्ची भी इसका पेस्ट बना लूँगी। जैसे मैं हरा धनिया भी ले लूँगी पेस्ट में बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं चाप की 2 किलो चाप की चाप बनाने जा रही हूँ, उसकी ये रेसिपी आपको दे रही हूँ। और दो दो लहसुन की गांठी है, छोटी सी 2 इंच टुकड़ा अदरक का, हरा धनिया छोटी सी, एक कच्चा मिर्चा, लाल पतली मिर्च, सबको मैं पेस्ट बना करके पेस्ट बना लूँ। दही मेरा होममेड दही है, मैं इसको चलनी में रख दूंगी। तो 2 चम्मच मैंने लिए है, 2 चम्मच मैंने भर करके ये दही ले लिया है। और अब मैं चलनी में रखूंगी, इसका जितना पानी होगा वो निकल जाएगा और दही एकदम खुश्क हो जाएगी। देखिए पानी निकल रही है ना ऐसा। पेस्ट मैंने मिला दिया और नमक मैंने स्वाद के अनुसार, मैं इसमें 3 चार चम्मच मैंने मिला दिया। लाल पतली मिर्ची पीसी हुई है, ये मेरा होममेड मिर्ची है। मैं घर में मसाला पूरा सब तैयार करती हूँ, इसको मैं 4 चम्मच डाल देंगे। गरम मसाला, ये भी मेरा होममेड गरम मसाला है। गरम मसाला मैं पूरा खड़ा गरम मसाला मंगा करके वो मैं घर में पीस लेती हूँ। देखिए मैंने 3 चार चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। देखिए ये मैं हर बार आपको वीडियो में दिखाती हूँ, मेरी होममेड चाट मसाला। जब चाट मसाला अगर हो तो कोई ज़रूरी नहीं कोई भी मसाला डालने के लिए, फिर भी हम अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा थोड़ा सभी मसाला डालना चाहते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा चाट मसाला दिया इसमें। ये भी मेरी होममेड ये काली मिर्ची है जो गोलकी बोलते हैं उसको, वो भी मैं अपने हिसाब से थोड़ी सी एकदम ये मैं डाल रही हूँ इसे गरम मसाला में। और इसमें गरम मसाला चाट मसाला में सारे मसाले आ जाते हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी, जैसे मैं अब चाप बना रही हूँ ना, उसमें थोड़ा थोड़ा डालना ज़रूरी हो जाता है। ये मेरी कबाब छीनी है, ये मेरी पाव भाजी मसाला है, ये भी मेरी होममेड पाव भाजी मसाला है। मैं अपने मसाला खुद घर में तैयार करती हूँ, मैं बाज़ार से नहीं लेके आती। थोड़ा थोड़ा मैंने सब डाला है। ये सफ़ेद गोल मिर्च, ये ऑप्शन है आपके पास में, अगर हो तो दें ना तो ना दें। आप ये चाट मसाला गरम मसाला भी अगर आप देंगे तो भी चलेगी। ये मेरी चिली सॉस है। ये टमाटो सॉस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। टाटरी, टाटरी देने से गोश्त में टेस्ट भी होती है और गोश्त गल भी जाता है।
ये पोष पोष का दाना, उस दाना मैंने उसमें डाल दिया है। ये काचरी, ये भी मेरी होममेड काचरी है। ये मैं पीस करके इसका पेस्ट बना करके मैं इसमें डाल दूँगी। दही देखिए एकदम सूख गया, बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा दही में। अब मैं दही उसमें गोश्त, अब दही में गोश्त में डाल दूँगी। इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। मैंने देखिए सब एक साथ मिला दिया है। अब मैं इसको 3-4 घंटा के लिए छोड़ दूंगी। मेरे पास में टाइम है, आपके अगर पास में टाइम हो तो आप रखो, ना तो आप 2 घंटा ही काफ़ी है। मैं काचरी ना डालना भूल गई थी, मैं फिर इसमें काचरी डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। काचरी डालने से गोश्त सॉफ्ट टेस्ट, खट्टा मीठा और गल भी जाता है। पेस्ट बना लिया मैंने। देखिए 4-5 घंटा के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। बिल्कुल इसमें ये मसाला है, एकदम इसमें लग गया है, अच्छा सा कलर आया है इसमें। एक बार फिर मैं इसको हाथ से मिला लेती हूँ। तेल माशाल्लाह से अच्छा सा गर्म हो गया। मैं आस्ते आस्ते इसमें फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इसमें भी आप जो डाइट का खाना खाते हैं कम तेल का, तो मैं इसको हल्के से इसमें ये हल्के से खाली बर्शे में लगा देती हूँ। ये देखिए स्टीम हो गया, सेक लीजिए इसको। कम तेल में, बगैर तेल का, कुछ भी इसमें ज़्यादा मसाला मिर्चा कुछ भी नहीं है, एकदम सूखा सा है। फिर हल्का सा इसमें आप तेल लगा लीजिए। माशाल्लाह क्या इसमें बहुत अच्छा कलर आया। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसमें। आप एक बार इसका ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया। ये रेसिपी बहुत पुरानी है,
40 साल पहले की रेसिपी है। ये मेरी सासू माँ की बताई हुई है रेसिपी। मेरी सासू माँ ऐसे ही मटन मंगा करके घर में ऐसे ही फिर वो मसाला लगा करके और इसे तल करके वो बनाया करती थी। आज उन्होंने कहा आज मेरी वाली रेसिपी आप दो, तो मैंने ऐसा बनाया है। देखिए आप, देखिए आप इतना अच्छा कलर आया है इसका भी। मैंने एकदम बिल्कुल धीमी आंच पर इसको रखा है और देखिए माशाल्लाह, देखिए ये आप जो भी डाइट का खाना खाते हैं ना, कम तेल कम मसाले की कम मिर्ची की ये आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगी। देखिए हमने एक एक करके पूरा पूरा मैं निकाल दे रही हूँ। देखिए दोनों बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। देखिए ये देखिए माशाल्लाह, काचरी सब मिला करके रखने से काचरी और टाटरी दोनों मिक्स बहुत अच्छे से 2-4 घंटे 5-6 घंटा मैंने इनको भिगो करके रखा, बहुत अच्छी तरीके से ये गल गई है। ये इसी तरीके से मैंने पूरे 2 किलो चाँद को अच्छे से देख अला इधर देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अब कुकर में मैं तेल करीब 2 चम्मच करीब मैंने तेल इसमें दे दिया। अब मैं इधर में वो चाप हो रही है और इधर में मैं चाप की ग्रेवी के लिए खाना पर ये बना रही हूँ, ग्रेवी बना रही हूँ। ये मैंने तेल में प्याज लाल कर दिया। देखिए एक छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक लौंग, एक दालचीनी ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और प्याज देखिए हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैं इसमें जो मसाला करके रखे थे, जो मैंने मसाला किया था वो ये मसाला मैं इसमें दे रही हूँ। थोड़ा मसाला में बचा पानी था, मैंने इसे घोल करके इसमें से डाल दिया। अब मैं इसको अच्छा सा एकदम सूखा भून लूंगी। जो चाँप का मसाला था इसमें मिलाया हुआ था, उसमें चाँप में ये रह गई थी, मसाला रह गया था। मैंने एकदम चाँप को एकदम सूखा कर कर के मैंने फ्राई किया है। बाकी का मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ। बस इसमें थोड़ा पानी डाल के मिला के इसमें डाल दूँगी। देखिए
देखिए मसाला पूरा एकदम सूखा भुन गया है, देखिए एकदम सूखा हो गया मसाला। अब मैं इसको ये चाप पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ, इमली पुदीने की चटनी के साथ, जो मैं हर वक्त घर में बना के रखती हूँ। अगर हम खाना हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैं तो इसको मैं इसको ग्रेवी बना करके बनाऊंगी। देखिए माशाल्लाह से मैं पानी डाल के अब मैं कुकर इसको बंद कर दूंगी। ये थोड़ा मैं बचा के रख ली। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी बनी है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।